सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच व किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सीटू व हिमाचल किसान सभा ने मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों, 3 कृषि कानूनों, कृषि के निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण आदि के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए। सीटू व हिमाचल किसान सभा ने केंद्र सरकार से मजदूर, किसान व कर्मचारी विरोधी नीतियों पर रोक लगाने की मांग की है। सीटू ने ऐलान किया है कि 28 मार्च को होली के दिन मजदूर विरोधी 4 लेबर कोडों तथा कर्मचारी व जनता विरोधी बिजली विधेयक 2020 की प्रतियों को जलाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया जाएगा। इसी कड़ी में शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर भी सीटू द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। सीटू जिला सचिव बाबूराम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के साथ खड़ी हो गई है, वह आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड, 3 कृषि कानून, कृषि का निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020 व सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालिया बजट में बैंक, बीमा, रेलवे, एयरपोर्टों, बंदरगाहों, ट्रांसपोर्ट, गैस पाइपलाइन, बिजली, सरकारी कंपनियों के गोदाम व खाली जमीन, सड़कों, स्टेडियम सहित ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करके बेचने का रास्ता खोल दिया गया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नारे की आड़ में मजदूर विरोधी लेबर कोडों को अमलीजामा पहनाया गया है। इससे केवल पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व कॉरपोरेट घरानों को फायदा होने वाला है। इससे 70% उद्योग व 74% मजदूर श्रम कानूनों के धारे से बाहर हो जाएंगे। खेती को कॉरपोरेट कंपनियों व पूंजीपतियों के हवाले करने के दृष्टिकोण से ही किसान विरोधी 3 कृषि कानून लाए गए हैं। उन्होंने पूरे देश के अंदर इस बात का आह्वान किया था कि जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर किसानों के मांगों को लेकर जो काले कानून है, किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसके साथ साथ आज ट्रेड यूनियन का पूरे देश के अंदर कॉल था कि जिस तरीके से केंद्र की सत्ता के अंदर जब से ये मोदी इसका नेतृत्व कर रहा है, लगातार जो देश के अंदर 44 श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में तब्दील किया गया है। और ये कानून ऐसे नहीं है कि आज ही रातों रात बन गए थे। लंबे संघर्ष के बाद देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने इन कानूनों को बनवाने के लिए अंग्रेजों के जमाने के अंदर भी शहादतें दी, फांसी के फंदे चूमे, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। तब जाके 1926 के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण कानून बना था जिसके माध्यम से कोई भी मजदूर अपनी यूनियन बना सकता है, उसको हम ट्रेड यूनियन एक्ट बोलते हैं। 1936 के अंदर पेमेंट एंड वेजेस एक्ट बना था। 1948 के अंदर एक न्यूनतम वेतन भुगतान कानून हम बोलते हैं जिसके द्वारा हम ये तय करते हैं कि मजदूरों की न्यूनतम जो दिहाड़ी कितनी होगी। 1952 के अंदर प्रोविडेंट कानून बना था। बोनस कानून 1965 में बना था। ग्रेच्युटी एक्ट आपका 1972 के अंदर बना था। इन तमाम कानूनों को आज के समय के अंदर चंद पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए मोदी सरकार द्वारा बदले जा रहे हैं। और अपने आप में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, क्योंकि जब देश के अंदर ये कानून एग्जिस्ट करते थे, कानून थे, उन कानूनों के वो कानून भी लागू नहीं होते थे। आप कहीं के से भी आंकड़ा उठा लो, सरकारी संस्था है, देश के श्रम जो ये कार्यालय चलते हैं, जो लेबर ऑफिस है, 90% विवाद इस बात को लेकर लेबर ऑफिस में चलते थे। जो न्यूनतम वेतन भुगतान जो कानून है, न्यूनतम वेतन भुगतान का मालिकों द्वारा न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता था। जब न्यूनतम वेतन का कानून भी लागू नहीं होता था तो आप मान के चलो कि 44 कानून कहाँ से लागू होते। लेकिन अब इन कानूनों को कमजोर किया गया है सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए। और इसके आप देखो, बोनस के एक्ट को बहुत कमजोर किया गया है। पहले बोनस के एक्ट के अंदर ये था कि जहाँ पे 20 लोग मजदूर काम करते थे उनके ऊपर लागू होता था, लेकिन जो नया कानून है जिसको हम संहिता बोर्ड है, इनके अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है। सीधी सीधी मालिकों को छूट दी गई है, काम के घंटे को बढ़ाया गया है, जितनी सोशल मतलब सामाजिक जो सुरक्षा की जो कानून चलते थे उन कानूनों को भी तब्दील किया गया है। इसलिए हमारी मांग है पूरे देश के अंदर कि जब तक इन कानूनों को, जो 4 लेबर कोड है, इनको तुरंत निरस्त किया जाए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। साथ साथ इस बात को भी हम रेखांकित कर रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज किसानों ने भारत बंद किया था, किसानों के खेती को नष्ट करने के लिए जो कानून लाए गए हैं, ये भी सिर्फ जो हमारे देश का कॉरपोरेट है उनको खुश करने के लिए, ये काले कृषि कानून भी नहीं चलेगा। हम किसानों के आंदोलन को भी इसके साथ समर्थन करते हैं, लेकिन मुख्य मांग ये है इन 4 लेबर कोड को तुरंत वापस लिया जाए, इनको निरस्त किया जाए। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।